हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लीवर और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपेरेटस के बारे में। सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो मेनली दो चीज़ों से होता है। पहला एंडोडर्मल और दूसरा मेजोडर्म से। जो एंडोडर्म है वो मेनली गट से आता है, और जो मेजोडर्म है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से आता है। आप सोच रहे होंगे सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम बाद में जाके डायफ्राम का फॉर्मेशन करेगा। तो चलो पहले सोचते हैं कि डुओडेनम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको पता है जो हमारा गट ट्यूब है, सब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये मेनली तीन भाग में बता होता है, फॉरगट, मीदगत और हिंदगत। ठीक है, अब इस फॉरगत और मीदगत के जंक्शन पे मेनली हमारा क्या का डेवलपमेंट होगा, डुओडेनम का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वहाँ पर से पहले अभी हम लीवर का पढ़ रहे हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानेंगे तभी तो कैसे डेवलपमेंट होगा ये देखेंगे। तो देखें, हम नीचे से चलते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, ये है हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट कौन सा है, फोर्थ नंबर। यहाँ तक समझ गए, फिर से ये समझ लीजिए, हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट क्यों, क्योंकि जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है आगे जाके लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट में टूट जाता है, इसलिए दोनों को मिला के ये क्या बन गया, कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट इधर से आ रहा है, और इधर से आपका सिस्टिक डक्ट आ रहा है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट क्योंकि यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर। और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेनली बनता कहाँ है, तो ये देखिए हमारा फॉरगट है और ये हमारा मीदगत है, ये दोनों के बीच के जंक्शन में बनता है। ठीक है, इधर पेनक्रियाज हो रहा है, यहाँ तक समझ गए, ये वेंट्रल पाथ है और ये डोर्सल पाथ है। ठीक है, जंक्शन पे मिली फॉरगत और मिदगत के जंक्शन पे क्या मिलेगा आपको, हेपेटिक गत मिलेगा। जो यहाँ पर जंक्शन है ना, यहाँ पर ही आपको हेपेटिक गत मिलता है। ठीक है, अगर जो मेसेंट्री कनेक्ट करता है डुओडेनम को एंटीरियर वॉल से, उसको वेंट्रल मेसेंट्री कहते हैं, और जो मेसेंट्री कनेक्ट करता है डुओडेनम को पोस्टीरियर वॉल से, उसको क्या कहते हैं, डोर्सल मेसेंट्री। या मेसेंट्री क्या होता है, और ये पूरे स्ट्रक्चर को एक जगह रखने में हेल्प करता है। तो डुओडेनम को जो एंटीरियर वॉल से कनेक्ट करता है उसको हम वेंट्रल मेसेंट्री। देखिए ये वाला क्या है, इधर वाला जो हो जाएगा वो वेंट्रल मेसेंट्री हो जाएगा, और इधर वाला डोर्सल मेसेंट्री हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो डुओडेनम स्ट्रेट ट्यूब रहता है, बाद में वो जो डुओडेनम है वो पहले यू शेप में कन्वर्ट एलोंगेट होता है, उसके बाद ये 90 डिग्री में रोटेट करके फिर से अपोजिट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले डुओडेनम एक स्ट्रेट लाइन था, बाद में वो उसमें कन्वेक्सिटी आई। कन्वेक्सिटी मिली आती क्यों है, क्योंकि डुओडेनम ये सबका फॉर्मेशन होने लगता है इसके कारण, तो उसमें क्या आई, कॉन्वेक्सिटी। कॉनकेव इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स इस तरह से होता है। तो पहले सबसे पहले डुओडेनम में क्या आई, कॉन्वेक्सिटी आई अंदर की ओर, एंटीरियर कह रहे हैं ना, तो एंटीरियर की ओर कॉन्वेक्सिटी आई। उसके बाद ये रोटेट कर जाएगा राइट तरफ, तो ये क्या बन जाए, मिल जाएगा जो इसका राइट ये आगे की ओर है वो बन जाएगा एंटीरियर मेसोगैस्ट्रियम। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटिक बद पर। जो हेपेटिक बद है वो मेनली फॉरगत और मिदगत के जंक्शन पे होता है, और एराइज करता है स्टार्टिंग में डुओडेनम से, बाद में ये डेवलप्ड होके कहाँ चला जाता है, तो सेप्टम ट्रांसवर्सम के तरफ चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लीवर है वो कहाँ पे डेवलप्ड होता है, तो डुओडेनम के पास, उसके बाद वो चला जाता है हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम के पास। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम का अपर पाथ है वो डायफ्राम का फॉर्मेशन करता है, जो लोअर पाथ है वो मेली लीवर का लोअर पाथ का डेवलपमेंट करता है। तो उसमें कौन सा, फाइब्रियो एलियोलर स्ट्रोमा ऑफ द लीवर का मेनली डेवलपमेंट करता है, जिसमें क्या क्या आता है, ग्लिसन कैप्सूल, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ लीवर, ये सब मेनली आता है।
जब हेपैथिक है जो सेप्टम ट्रांसवर्सम के पास पहुंच जाएगा तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट ब्रांचेज। इसमें बहुत सारे कोट्स ऑफ सेल डेवलप्ड होते हैं ये राइट और लेफ्ट के पास, और हेपैटिक सिलेंडर बनाता है। देखें यहाँ पर क्या है, राइट और लेफ्ट के पास बहुत सारे सेल्स जमा हो जा रहे हैं और सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे को हम क्या कहेंगे, हेपैटिक सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में ये दोनों होता है ना दोनों तरफ, जैसे कि स्टार्टिंग पीरियड में जो लीवर होता है ना दोनों तरफ बराबर होता है, कहीं पर भी ज़्यादा कम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है ये क्या होता है, ये एक तरफ इसका डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होता है, दूसरे तरफ डिफ्रेंसिएशन कम होता है। तो कहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होता है, राइट साइड में डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होता है और लेफ़्ट साइड में डिफ्रेंसिएशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है लेफ़्ट साइड में मेनली कौन कौन से ऑर्गन हो रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड में मेनली स्टोमक आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है जिसके कारण स्प्लीन आ जाता है, जिसके कारण सेल पूरी तरह प्रोफरेट नहीं कर पाता। वहीं राइट साइड में इसको अच्छा स्पेस मिल जाता है प्रोफरेट करने का। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब पाल्स हेपैटिका, पाल्स हेपैटिका क्या है, द पार्ट ऑफ हेपैटिक वर्थ थ्रू विच लीवर इज डेवलप्ड। ये लीवर ये क्या है, हेपैटिक वर्थ है जिससे हमारा लीवर डेवलप्ड होता है। क्या से लीवर डेवलप्ड होता है, पार्ट्स हेपैटिका से। मेनली दो सेट ऑफ वेन देखने को मिलता है, कौन कौन सा, एम्बिलिकल वेन और विटेलाइन वेन, जो मेनली आप देखे होंगे डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल सिस्टम में। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो सिलेंड्रिकल हेपैटिक सिलेंडर है ना, इसके डेवलपमेंट को ये क्या कर देता है, ये जैसे कि हमारा जो जब पोर्टल वेन पर पड़िएगा ना, तो देखिएगा कि साइनस वेनोसस से मेनली तीन सेट निकलता है, लेकिन एक सेट तो इस तरह से रहता है और दो सेट नीचे की ओर ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन यहाँ पर लीवर डेवलप कर जाता है जिसके जिसका जो ये जो अम्बिलिकल वेन है, विटेलाइन वेन है, उसका जो डेवलपमेंट है स्ट्रेट लाइन में, उसके स्ट्रक्चर को ये डेवलपमेंट ऑफ लीवर के कारण क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये स्ट्रक्चर अपने आप में स्कैटर हो जाता है और साइनसॉइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कहाँ पर, तो कोट्स ऑफ द हेपेटोसाइट में। अब ये फॉर्म करता है पेरेन्काइमा ऑफ लीवर और क्या, इंडोडर्मल, डाइवर्टिकुलम, पार्स हेपैटिका, जो पार्स हेपैटिका ये बाद में पेरेन्काइमा ऑफ लीवर बनाएगा, फाइब्रो एलियोलर स्ट्रोमा बनाएगा, ग्लीसन कैप्सूल बनाएगा, जो मेनली आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से। ठीक है, इनिशियल पीरियड में जो लीवर है ना वो ग्रो करेगा बहुत बड़ा साइज में, लेकिन ये दो रीजन के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इसका साइज स्टार्टिंग में बहुत बड़ा क्यों होता है। तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड आते हैं फीटस के, पहले इसमें रीच होता है, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में रीच होता है, क्योंकि जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो प्लासेंटा से डायरेक्ट लीवर में ही करता है। दूसरा, स्टार्टिंग में जो इनिशियल पीरियड में क्या होता है, दोनों लोग इक्वल साइज होता है, लेकिन ड्यू टू हेमेटोपोएटिक सेल इसका जो साइज है वो बाद में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कब, लास्ट टू मंथ में, मोर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेरिजन टू राइट साइड में। अब एक टर्म आपको पढ़ना हो, अब फिजियोलॉजिकल हर्निया क्या है, जब स्टार्टिंग में लीवर का रैपिड ग्रोथ होता है ना, तो ये अदर सेल को परमिट नहीं करता है कि एब्डोमिनल कैविटी में रहे, वो सभी सेल को पुश करता है बाहर की ओर। कैसे बाहर जाएगा, तो अम्बिलिकस के थ्रू बाहर जाएगा। बाद में क्या होता है ना, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है वो धीरे धीरे अपने आप को लार्ज करता है, ताकि सारे स्ट्रक्चर जो फिजियोलॉजिकल हर्निया के थ्रू बाहर गए हैं वो अपने नॉर्मल सेक्शन में आ सकें। ठीक है, अब समरी देखते हैं। ये जो हमारा राइट और लेफ्ट हेपैथिक जो स्टार्टिंग में ब्रांचिंग बना था और फॉर्म किया था, पहले फॉर्म किया कॉमन वाइल्ड डक्ट, उसके बाद कॉमन हेपैथिक डक्ट, और कॉमन हेपैथिक डक्ट से ये सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके बनता है कॉमन वाइल्ड डक्ट। ठीक है, तो मेनली तो ये नॉर्मल है, लेकिन जो हमारा ये अम्बिलिकल वेन है और विटेलाइन वेन है, इसके बीच में लीवर सेल का
एराइज होने के कारण बीच में साइनोसॉइडल सेल आ जाता है या सेल के बीच में साइनोसॉइड्स बनते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा ये प्रॉक्सिमल टू द राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्या होता है, एक नया बद तैयार होता है जिसको कहते हैं पार्श सिस्टिका, जिससे ही हमारा गॉल ब्लैडर का डेवलपमेंट होता है और उसके डक्टल पोर्शन से मेनली सिस्टिक डक्ट का डेवलपमेंट होता है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या है, तो ये सिस्टिक डक्ट और ड्यूओडेनम के बीच में क्या करता है, एक लाइनिंग बनाता है। मतलब ये कह सकते हैं औसा डक्ट जो मेनली क्या करे, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलके बने। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है, तो लेफ्ट हेपेटिक और राइट हेपेटिक मिलके क्या बनते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसमें एक अनदर डायवर्टिकुलम आपको देखने को मिलेगा क्लोज रिलेशनशिप, वो है वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। मेनली जब एक्सल रोटेशन होता है ना सेकंड पाथ ऑफ ड्यूओडेनम में, तो ये जो वेंट्रल पाथ है और जो हेपेटिक है वो मेनली पीछे चला जाता है ड्यूओडेनम के, और कहाँ लाई करता है, जस्ट बिलो द डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये दोनों मिल के ओपन होता है पैनक्रियाज में और बनाता है एम्पुला ऑफ वेटर। तो इम्पोर्टेंट लिगामेंट लीवर में कौन कौन से होते हैं, तो अभी बताए थे, देखिए ये हमारा क्या है, स्टोमेक है, ये लीवर का फॉर्मेशन हुआ, तो एक लिगामेंट यहाँ पे बनेगा, एक लिगामेंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो जो आगे वाला लिगामेंट होते हैं उसको फैल्सिफॉर्म कोलोनरी या ट्रेंगुलर लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। और जो ये वाला लिगामेंट है उसको क्या कहेंगे, मेसोगैस्ट्रियम लिगामेंट कहेंगे। जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है वो मेनली इन फ्रंट ऑफ द गट ट्यूब प्रेजेंट होता है, जो मेनली फॉर्मेशन करता है लीवर का। वेंट्रल जो मेसोगैस्ट्रियम है वो बाद में जाके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो पार्ट वेंट्रल जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है वो जो लीवर और बॉडी वॉल के बीच में है उसको क्या कहेंगे, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट। मतलब कि देखिए ये गट ट्यूब के जो आगे है जितना वो सबको वेंट्रल लिगामेंट वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे बीच में हमारा लीवर डेवलपमेंट हो गया, तो और ये हमारा बॉडी वॉल है, तो लीवर और बॉडी वॉल के बीच में जो है उसको कहेंगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट या कोरोनरी लिगामेंट या ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। अब जो लीवर और गैस्ट्रिक ट्यूब के बीच में है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, जो लिगामेंटम वेनोसम है ना वो मेनली रेमनेंट होता है डेक्टस वेनोसस का। ये मेनली एमसीक्यू में पूछा जाता है लिगामेंट वेनोसम किसका होता है रेमनेंट, तो डेक्टस वेनोसस का। और जो लिगामेंट टेरम टेरिस हेपेटिका है ये रेमनेंट होता है ऑब्लिगेटेड लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का। अब आते हैं इसके एनोमेलीज का डेवलपमेंट देख लिए। एनोमेलीज में पहला होता है एट्रेसिया ऑफ डक्ट, डक्ट बनता ही नहीं है, एसेसरी वायल डक्ट एक्स्ट्रा डक्ट बन जाता है, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ द हेपेटिक डक्ट इज प्रेजेंट इज अब्सेंट और मेल फॉर्मेशन। मतलब एट्रेसिया ऑफ डक्ट या एसेसरी वायल डक्ट में क्या होता है, हेपेटिक डक्ट का कोई भी पार्ट क्या होगा, एबसेंट होगा या मेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रीडल रूप क्या कहते हैं, देखिए ये हमारा जो लीवर है ना इसके यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरह से टंग लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ देखिएगा कहाँ पे, राइट पार्ट ऑफ द लीवर में, इसी को हम रीडल लोब कहते हैं। इंट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया डक्ट विद इन द लीवर इज नॉट डेवलप्ड, जो डक्ट होता है ना लीवर के अंदर वो डेवलप नहीं करता है। सीरियस कंडीशन चैल्कन डायस, ये एक सीरियस कंडीशन है, इसमें चैल क्या होते हैं मर सकते हैं, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ लीवर, पॉलीसिस्टिक डिजीज आप बहुत जगह देखे होंगे, इसमें मिलने क्या होता है सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ये लीवर में हुआ है। जो डक्ट डेवलप्ड होता है लेकिन उसमें बहुत सारा सिस्टिक होता है, मतलब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वो अपना एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपैरेटस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। कैलोरी डिजीज या कम्युनिकेटिंग सिस्टिक डायलेशन, ये रियल इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो मेनली सिस्टिक डायलेशन या एक्टेसिया के कारण होता है। और किसमें किसका ये सिस्टिक डायलेशन, तो वाइल डक्ट का और ये लीवर के अंदर होता है, ठीक है। अब आते हैं एनोमेलीज ऑफ गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट। पहला एजिनेसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है।
सिसाइल गॉल ब्लेडर, दे आर नॉट, मतलब कि गॉल ब्लेडर का फॉर्मेशन हुआ है लेकिन सिस्टिक डक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कॉमन ये हेपेटिक डक्ट है, यहाँ पर से सिस्टिक डक्ट आता है और ये हमारा गॉल ब्लेडर होता है, लेकिन सिसाइल में क्या होता है, डायरेक्ट ये इस तरह से अटैच होता है, कोई भी हमारा इसका क्या है सिस्टिक डक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है। क्या है फेरिजियन कैप, क्या होता है ना मेनली फंदिक रीजन ऑफ द गॉल ब्लेडर में, कि जो हमारा फंदस होता है वो अपने आप मुड़ जाता है और कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी को फेरिजियन कैप कहते हैं। हरमन पॉच, इसमें क्या होता है ना जो नेक होता है ना गॉल ब्लेडर का वो एक पॉच का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहते हैं हरमन पॉच। सेप्टेट या डबल गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर के बीच में एक सेप्टम बन जाता है जो लोब को दो लोब में डिवाइड कर देता है, उसी को सेप्टेट या डबल गॉल ब्लेडर कहते हैं, ठीक है। समरी में हमने क्या क्या पढ़ा कि मेनली जो हमारा ये लीवर है उसका दो इम्ब्रोनिक सोर्स से ओरिजिन होता है, एक इंडोडर्मल डायवर्टिकुलम फ्रॉम द गट, इससे क्या होता है पैरेन्काइमा डेवलप्ड होता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम जिसको मेजोडर्म कहते हैं, इससे फाइबरस एरियोला स्ट्रोमा, हेपेटिक साइनोसॉइड से मेनली ये कैसे बनता है, तो जो अम्बिलिकल वेन है जो विटेलाइन वेन है उसका जो स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हेपेटोसाइट के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण मेनली हेपेटिक साइनोसॉइड का फॉर्मेशन होता है। इसी साथ के साथ हमारा लीवर का डेवलपमेंट समाप्त हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।